तो उसमें एक लेडीज की डेथ हो गई। कैसे, क्या कौन था मारने वाला, क्या था वो? उनके आपस में रिलेटिव थे, भाइयों में आपस में लड़ाई हुई। अच्छा। और डंडे वगैरह से मारा गया तो उस लेडीज की डेथ हो गई। क्या कुछ बता सकते हैं, महिला क्या उम्र हुई कुछ आपके हिसाब से? महिला की उम्र 50 से ऊपर होगी। और मारने वाला कौन था? कोई मारने वाला होने के रिलेटिव। ये सारा किस भी, क्या भी बात है? ये भी बात जमीन के ऊपर प्रॉपर्टी। यहाँ एक्चुअली आपस में फैमिली का झगड़ा चल रहा था जी, और जो बताने वाले हैं वो ये बता रहे हैं पहले नॉर्मल बातें हो रही थी, उसके बाद फिर आपस में झगड़ा होना चालू हो गया और सडनली हुआ एकदम विद इन 10 to 15 मिनट में सब काम हो गया। वो महिला को कैसे मारा गया, कितने लोग थे, कौन थे, क्या थे, ये पता नहीं चल पाया। फैमिली के लोग थे क्योंकि यहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही थी उस टाइम, कुछ पता नहीं चला। सब लोग बस यही सोच रहे थे कि हो क्या रहा है यहाँ पर, किसी को कुछ पता नहीं चला। नॉर्मली झगड़ा चल ही रहा था कि कुछ टाइम से झगड़ा चल रहा था, पहले भी हुआ था, पहले भी लोगों को यही था कि नॉर्मल झगड़ा हो रहा है आपस में ही, क्योंकि हाथापाई वाला मामला नहीं हुआ था आज तक। नौजवानी लड़ाई होती, झगड़े होते थे और मामले नहीं। तो उस महिला किसी से पीटा गया था ये पता नहीं चला है, क्योंकि लेडीज भी अंदर थी और जो पीटने वाले थे वो लोग भी अंदर थे, बाहर से पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, उन्होंने कवर कर रखा था, पता नहीं चल पा रहा था किस चीज़ से मारा है। बाकी डंडे वगैरह शायद बताए हैं जो रिकवर करे हैं, शायद कल पुलिस वाले आए थे। जसवंत, क्या है पूरा मामला जो जगतपुरी में हत्या हुई है? ये कल बीते दिन शाम को 6 बजे एक कॉल रिसीव हुई थी जगतपुरी थाने में, इसमें हैदर अली और मूसा ये दो भाई हैं, इनका कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा पुराना। तो कल शाम को करीबन 6 बजे मूसा अपने बेटों के साथ आता है हैदर अली के घर, और हॉकी डंडों के साथ ये हैदर अली और उनकी वाइफ फरीदा के ऊपर अटैक करते हैं। इस दौरान फरीदा जो है वो घायल हो जाती हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जो दौराने उनका ट्रीटमेंट उनकी डेथ हो जाती है। इसमें 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके मूसा को अरेस्ट कर लिया गया है, उनके जो बेटे हैं वो फरार हैं, पुलिस उनके पकड़ में लगी है।